पूर्णिया के गुलाबबाग में दुकान आवंटन को लेकर हुए फर्जी वाड़े में कई नए मामले उभर कर सामने आ रहे हैं। मामले के मुख्य आरोपी रहे राहुल केसरी ने मीडिया के सामने आकर अपने आप को निर्दोष बताते हुए स्थानीय दो मीडिया कर्मियों को ही इसका मास्टरमाइंड बताया है। इस प्रकरण में कई व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। फिलहाल सदर एसडीओ ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। गुलाबबाग आवंटन मामले में टोटल कहानी बताइए जो अभी सामने छन के आ रही है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, पिता अशोक केसरी। गुलाबबाग आवंटन में जिस हिसाब से मीडिया, अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है और जिस हिसाब से मुझे मास्टरमाइंड बताकर ये अखबार वाले, प्रेस वाले छाप रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैं इस चीज का मास्टरमाइंड नहीं हूं और मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और हमारी इस आरोप से या इस भय से हमारे घर के लोग भयभीत हैं और आत्महत्या पे उतारू हो गए हैं। हमारे घर में पिछले 5 दिन से चूल्हा नहीं जला है, जब से ये मामला प्रकाश में आया है कि राहुल तुमने ऐसा किया। कल मकर संक्रांति का त्योहार था, हमारे घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जाके देख लें। इस मामले का मास्टरमाइंड आप ही को पत्रकार में से कुछ अपने को बड़े पत्रकार या बड़े बैनर के पत्रकार कहने वाले लोग, पहला नाम मनोज मिश्रा और राजेश झा का है, उसके खिलाफ अब मेरे पास पुख्ता सबूत है। मनोज मिश्रा पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दिनेश मिश्रा। रहने वाले? रहने वाले कठियाल मोड़ से आगे बेलोरी के आसपास है। अच्छा, जो अपने को बड़े पत्रकार, मैं सिर्फ एक मोड़, उन्होंने वो, मैं इस मामले में खुद ठगी का शिकार हुआ हूँ और मैं छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन करता हूँ और मैंने खुद अपना रुपया इसमें गवाया है। मैंने भी अपना रुपया उसे दिया है और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे दुकान है, 10-20 हजार रुपया एक दुकान पे तुमको भी बच जाएगा। और दूसरे पत्रकार कौन है? राजेश झा। अच्छा, वो कहाँ से है? वो पूर्णिया के नवरत्न आतक है, उसके घर पिताजी का नाम मालूम नहीं है। तो इन लोगों के पास मैंने कुछ लोगों के पास चर्चा किया था। जो लोग भी आज मेरे साथ आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट मनोज जी से ही बात किया था, तुम लेके आए थे उनको। इस मामले में मेरा कहीं भी हाथ नहीं है, मैं खुद एक मोहरा हूँ और मैं खुद ठगी का शिकार हो गया हूँ। और आप लोग से अनुरोध है कि इस बदनामी के डर से मेरे परिवार में ऐसा स्थिति हो गया है, मरने मारने पे सब उतारू हो गया है। लोग आज मेरे कितना पैसा का ये हुआ है, इसमें कारोबार हुआ है? मनोज मिश्रा के पास कुल मिला के 68 लाख रुपया। मनोज मिश्रा ने 68 लाख रुपया लिया है? जी, मनोज मिश्रा ने 68 लाख रुपया लिया है बहुत सारे लोगों से। हाँ, और राजेश झा ने 23 लाख रुपया दुकान के नाम पे? जी, दुकान और JCI के गोदाम के नाम पे। अच्छा, और इसमें दुकान कहाँ से उपलब्ध करवाते वो? दुकान कहाँ से उपलब्ध करवाते? उन्होंने बोला कि हमारा डायरेक्ट SDO से सेटिंग है और डायरेक्ट मंत्री से मेरा सेटिंग है, हम डायरेक्ट मंत्री से करवाएंगे। और फिर मैंने बीच में जब लोग मुझे परेशान करने लगे तो उन्हें पूछा कि बोला विधानसभा का सत्र खत्म होगा, मंत्रिमंडल गठन होगा तो हो जाएगा, तुम रकम का इंतजाम कर लो। बजाबता मेरे पास सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट सब कुछ है। SDO का जो एक डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, SDO का डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं खुद ठगी का शिकार हूँ, लेकिन मैं आज जितना बदनाम हो रहा हूँ उस बदनामी के कारण मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। आपने कितना पैसा दिया था अपने दुकान के लिए? मैंने दिया था 3.5 लाख रुपया 3 किस्त में। किनको? मनोज मिश्रा को। अच्छा अच्छा, और राजेश झा ने दूसरे पार्टी से रुपया उठाया था जी, JCI के गोदाम के नाम पर। अच्छा, JCI दुकान जो वहाँ गुलाबबाग में है जी। अच्छा, राजेश झा कितने लोगों से पैसा लिया होंगे? राजेश झा ने 3 लोगों से पैसा लिया। अच्छा, ये कितने दिनों से चल रहा है ये सारा चीज? ये काफी लंबा प्रकरण हो गया, करीब 1.5 साल हो गया। जब लोगों का दबाव मेरे पे आने लगा जी और जब बात खुली
तब लोग मेरे घर पे आने लगे कि मैंने तुम मिलवाए थे, तुम चलो, मनोज मिश्रा ने तो पल्ला झाड़ दिया जी। और जब लोग वहां पे विवाद हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे, तो मैं आप लोग के जब अखबार में जब अखबार वालों को दे दिया हमें बदनाम करने के लिए, तब हम आप लोगों के शरण में आए हैं। आप लोग हमको कैसे इसमें समस्या आप मैंने जो बात बोल रहे हैं फिर सरकार के सामने गवाह बनिएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धांधली है। हाँ, सरकार के सामने गवाह बनेंगे, हम सरकार के सामने गवाह बनेंगे। और अगर इस मैटर में मेरा कहीं हाथ नहीं है, मैं खुद ठगी का शिकार हुआ हूँ, और इस बदनामी के डर से मेरे घर की स्थिति आप लोग चल के देख लीजिए कि मेरे घर की क्या स्थिति।